सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने मेरी ये वाली वीडियो कैसे शूट करी, जिसमें कि मैंने इंडियन आर्मी के लिए एक कविता कही थी और ये यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे, काफ़ी अच्छे लाइक्स आ रहे। तो मैंने इस वीडियो ये कैसे शूट करी और इसमें मैंने क्या रिस्क लिया इंडियन आर्मी के लिए, तो ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर का कैसा स्ट्रगल होता है, हम कैसे वीडियो शूट करते हैं। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गो। सो गाइस, ये जो लोकेशन है ये पूरा मेरी नानी का घर है और मैं वो शूट करने के लिए वो वीडियो ये दीवार खोद के, वो भी मेरी नानी का घर है, वहाँ गया था। तो अभी मैं बताता हूँ कि कैसे। सो गाइस, ये रही वो लोकेशन, यही वो छत है और ये वो फ्लैग है जिसका धूप की वजह से थोड़ा कलर डाउन हो गया है। बाकी मैंने यहीं पे वो वीडियो शूट करी थी, तो मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या कैसे करी थी। तो वीडियो कुछ ऐसी थी कि किसी ने बड़ा खूब कहा है इंडियन आर्मी के लिए कि अपना सब कुछ नीलाम कर चुका, अपना सब कुछ नीलाम कर चुका, वो अपनों के नाम कर चुका, उड़ान खरीद कर तो दे दी सबको, पर किसको पता है वो अपने पंख नीलाम कर चुका। तुम गलत मानो या सही, इस बात का थोड़ा गुरूर तो मुझ में रहता है कि मैं बुलाता हूँ जिस बदन को पापा कहकर, वो वर्दी को अपनी माँ कहता है। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।